हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। इसमें बताया हुआ है कि गाइडेंस प्रोग्राम क्या है। एक डेवलपमेंटल और सिक्वेंशियल प्रोग्राम है जो फोकस करता है अटेनमेंट ऑफ आउटकम्स ऑफ थ्री डोमेन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कौन से वो तीन डोमेन्स हैं? पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल और अकेडमिक प्रिपरेशन और करियर प्लानिंग। तो एक तो पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है गाइडेंस प्रोग्राम, एक होता है एजुकेशनल और एकेडमिक प्रिपरेशन जो करते हैं स्टूडेंट्स उनके उसके ऊपर फोकस करता है, और दूसरा जो करियर प्लानिंग करते हैं लोग। तो इन डोमेन्स पे ज़्यादा फोकस रहता है गाइडेंस प्रोग्राम का। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें ये सजेस्ट करता है कि चार मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के। पहला ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हेल्पिंग द स्टूडेंट टू ग्रो इन सेल्फ गाइडेंस एंड इंडिविजुअल मैच्योरिटी, अपने आप को खुद वो स्टूडेंट जो है वो गाइड कर सके और उसके अंदर एक मैच्योरिटी जो है वो अटेन हो जाए। हेल्पिंग मैक्सिमम स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन एंड सोशल प्रोडक्टिविटी, असिस्ट स्टूडेंट्स टू लर्न एंड लिव बेटर लाइफ। तो ये चार एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं एक काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोग्राम के। फिर गाइडेंस एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में हम सब जानते हैं कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी जाती है एक स्टूडेंट की, उसमें इंटेलेक्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, साइको सोशल हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, वोकेशनल हो, एस्थेटिक्स हो। तो हर तरीके से इस तरह से इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाए जाते हैं कि जो स्टूडेंट है उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही गाइडेंस एंड एजुकेशन प्रोग्राम भी इसी तरीके का होता है, मतलब गाइडेंस में भी एजुकेशन इंटीग्रली इन्वॉल्व होती है और साथ साथ गाइडेंस भी होती है। द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन इज़ ऑन करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। ऑन द अदर हैंड द एक्टिविटीज़ ऑफ गाइडेंस आर डेवलपमेंटल एंड जस्टिव इन नेचर। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस होता है जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और जब हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो उसका फोकस डेवलपमेंटल और एडजस्टिव इन नेचर इस तरह की एक्टिविटीज़ में होता है जिसमें डेवलपमेंट हो और एडजस्ट करना आए, एडजस्टिंग नेचर हो। द एम ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प चाइल्ड इन मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ हिज और हर पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज। गाइडेंस से हमारा एम ये रहता है कि जिस बच्चे को या जिस स्टूडेंट को गाइड हम कर रहे हैं वो अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर सके। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब जब हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। ऑन द अदर साइड, अलार्मिंग केसेस ऑफ मेंटल इलनेस, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, क्राइम इन आर सोसाइटी रिक्वायर प्रिवेंटिव एंड रिमीडियल प्रोग्राम्स टू पर्सनलाइज एजुकेशन इन द स्कूल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन और गाइडेंस की वो बढ़ती जा रही है डिमांड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से, इसकी गाइडेंस की और एजुकेशन की डिमांड बढ़ रही है। ऑन द अदर साइड क्या देखा जा रहा है कि मेंटल इलनेस के केसेस बढ़ रहे हैं, जुविनाइल डेलिंक्वेंसी यानी कि जो क्राइम करते हैं बच्चे और जो बड़े क्राइम करते हैं उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिस केस में हमें किस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है? प्रिवेंटिव गाइडेंस की, रिमीडियल प्रोग्राम्स की, पर्सनलाइज एजुकेशन की, खासकर अर्ली ईयर्स में जब बच्चे अपने सोशल और मॉरल वैल्यूज डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसलिए गाइडेंस को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन माना गया है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्पेशल सर्विस एंड गाइडेंस असिस्ट द स्टूडेंट्स इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेज एंड एडजस्टेंस इन लाइफ। तो ये क्राइम कौन से बच्चे करते हैं जो लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं? कौन से बच्चे डेलिंक्वेंट होते हैं, मेंटल इलनेस किन को होती है, जो राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं? तो यही चीज़ को अगर गाइडेंस शुरू से दी जाए तो ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे समझ जाते हैं। द गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू इन एजुकेशन ब्रिंग्स इंस्ट्रक्शन क्लोजर टू द गाइडेंस। द मेन पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू अनेबल द चाइल्ड टू लर्न एंड द टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस। मतलब अगर हम एजुकेशन और गाइडेंस को क्लोज ले आते हैं, एक दूसरे के एजुकेशन में गाइडेंस भी इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उससे लर्निंग और ज़्यादा फैसिलिटेट होती है और ज़्यादा बेटर तरीके से लर्निंग होती है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फैसिलिटेट्स द एक्विजिशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, स्किल्स, थॉट प्रोसेसेस। ऑन द अदर हैंड, गाइडेंस इज कंसर्न विद सेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट,
एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, वैल्यूज, नीड्स। तो अगर टीचिंग लर्निंग की एजुकेशन की बात करी जाए तो उसमें कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, फैक्ट सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, थॉट प्रोसेसेस अपना जो है एनहेंस करते हैं। लेकिन अगर गाइडेंस की बात की जाए तो उसमें सेल्फ के बारे में सीखते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, फीलिंग्स, वैल्यूज, तो वो सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होता है। द होल एजुकेशनल प्रोसेस में बी व्यूज एज बींग इम्प्लीमेंटेड थ्रू थ्री बेसिक फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। कहने का मतलब कि एजुकेशन के एक इंटीग्रल पार्ट ही गाइडेंस है। एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे अरेंजमेंट होगा टीचर्स का, कैसी जगह होगी जहाँ पे वो पढ़ेंगे, किस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी। और दूसरा पार्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन, कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, क्या करिकुलम होगा, क्या मेथड्स यूज़ होंगे इंस्ट्रक्शन के। और तीसरा पार्ट आ जाता है गाइडेंस, जहाँ पे उनके सेल्फ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प की जाती है। तो एक इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वाइटमर, टीचर हैज़ टू बियर फॉलोइंग फाइव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पांच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टीचर की। एक तो पर्सनलाइजिंग प्यूपल टीचर रिलेशनशिप, के हर एक बच्चे के साथ उसका एक पर्सनलाइज रिलेशन होना चाहिए। क्रिएटिंग अ होलसम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इस तरह का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो जहाँ पे बच्चा अपने आप को पूरा एज अ होल कंप्लीट समझे, कहीं से भी वो अपने आप को इनकम्प्लीट ना सोचे। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, टीचर को एक ग्रो होते हुए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक लेवल की, हर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। इंडिविजुअलाइजिंग करिकुलम कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, जो करिकुलम कंटेंट है उसको कैसे हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग उसको सिखाना है, समझाना है, और कैसे इंस्ट्रक्शनल टेक्निक चेंज होनी चाहिए बच्चों के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। वर्किंग एज अ टीम मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, और जो भी गाइडेंस प्रोग्राम बन रहा है स्कूल में उसके अंदर एज अ टीम काम करें। तो ये एक टीचर को पांच रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चलना चाहिए अगर वो इफेक्टिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है? तो द बेसिक पर्पस ऑफ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम इज टू हेल्प स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट एज ही और शी प्रोग्रेसिस थ्रू स्कूल, मतलब हर एक बच्चे की हेल्प करना जैसे जैसे वो स्कूल में प्रोग्रेस कर रहा है। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे को अपने बारे में, वो एक्सेप्ट करे अपने आप की स्ट्रेंथ को, लिमिटेशंस को। हमें पता होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे स्किल्स क्या हैं, व्हाट आर एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, हमारे सेल्फ के बारे में, मतलब टोटली सेल्फ के बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, टू डेवलप हिज एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितनी एबिलिटीज वो डेवलप कर पाए उसको वो डेवलप करने में हेल्प करे। टू अंडरस्टैंड द चॉइसेस ही फेसेस, जो चॉइसेस उसको मिल रहे हैं उसको वो समझे और उसमें से क्या चूज करना है, क्या गोल सेट करने हैं वो कर पाए। मेक हिज ओन डिसीजंस एंड प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपने डिसीजन ले, चॉइसेस ले। टू टेक एक्शन प्लान्स ही हैज डेवलप, एक्शन ऑन प्लान्स मतलब जो वो प्लान बना रहा है अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, उस पर वो एक्शन ले पाए, वो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो इतना कि वो उसके ऊपर एक्ट कर पाए और न्यू सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाए, और अपने खुद के डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले दूसरों को ब्लेम करने की जगह। तो ये चीज़ों में हेल्प करते हैं गाइडेंस प्रोग्राम। द टास्क ऑफ हेल्पिंग ईच स्टूडेंट इन मेकिंग वाइज डिसीजन एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये मेन टास्क हो जाता है। अब इसमें कह रहे हैं कि वाइटमर कह रहे हैं कि थ्री बेसिस हो सकते हैं गाइडेंस एंड प्रोग्राम एस्टेब्लिश करने के स्कूल में। पहला बेसिस हो सकता है फिलोसफिकल बेसिस हो सकता है। इसमें ये कह रहे हैं कि व्हाट वी बिलीव अबाउट चिल्ड्रन, देयर ग्रोथ एंड द रोल ऑफ स्कूल, वो जो माना जाता है कि हमें कमिटमेंट टू द इंडिविजुअल होनी चाहिए, सर्च फॉर मीनिंग, मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ देयर करियर, मीनिंग ऑफ सेल्फ, फ्रीडम टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट। तो ये फिलोसफिकल बेसिस पे होती है गाइडेंस, कि कमिटमेंट होना चाहिए हमारे अंदर, हमने अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढना है, ग्रो करना है, सेल्फ एक्चुलाइज करना है, डेवलप करना है। दूसरा, साइकोलॉजिकल बेसिस होना चाहिए। साइकोलॉजिकल बेसिस पे हमें ये देखना चाहिए कि हर एक बच्चे में क्या अलग है, उनके बीच में क्या यूनिकनेस है, हर एक बच्चे की एक यूनिकनेस होती है, उनके डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं, एक्सेप्शनल नीड्स क्या हैं, जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं उनके क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज उनको आ सकती है, और बिहेवियरल या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स उनके अंदर क्या हो सकती है। फिर सोशल कंडीशंस में हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई कल्चरली डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ है जिसमें वो कल्चर की वजह से पीछे रह जाता है, कोई ड्रॉप आउट है या अनएम्प्लॉयड है,
या कोई क्राइम या जुविनाइल डेलिंक्वेंसी में कि मैं चीज़ों में पड़ गया है, मेंटल इलनेस में, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए गाइडेंस एंड प्रोग्राम सेट करना चाहिए। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए हैं गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम के जो स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे स्टूडेंट गवर्नमेंट टू द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द स्कूल। तो जो भी उसको स्कूल से जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, गाइडेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, अपने स्किल्स डेवलप करे, लीडरशिप स्किल्स हो सकते हैं और दूसरे स्किल्स हो सकते हैं। उसको असिस्टेंट मिलनी चाहिए उसको स्टूडेंट को अपने जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करने के लिए। स्टूडेंट शुड बी गिवन हेल्प टू इंटरप्रेट, मतलब उसको अपने इंटरेस्ट के बारे में समझ आए उस चीज़ के लिए उसको आप हेल्प करो अपने गाइडेंस प्रोग्राम में। और असिस्टेंट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट इन मेकिंग एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं अगर तो उससे कैसे वो एडजस्ट कर सकता है। द गाइडेंस प्रोग्राम शुड मेक पॉसिबल अटेनमेंट ऑफ पर्सनली सक्सेसफुल एंड सोशली एक्सेप्टेबल लिविंग। पर्सनली सक्सेसफुल लिविंग और सोशली जो एक्सेप्टेबल लिविंग होती है तो वो कैसे हम अटेन कर सकते हैं उसके ऊपर गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए। स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि वो सप्लीमेंट क्लासरूम लर्निंग, मतलब अलग से भी जो नॉर्मली पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा भी अपनी एजुकेशन को कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें वो और कुछ नया सीख सकते हैं, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, गुड सिटीजनशिप हो गया। स्टूडेंट शुड बी असिस्टेड इन मेकिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, उनको हेल्प करनी चाहिए सब्जेक्ट चूज करने में। दे शुड बी ऑफर्ड असिस्टेंट शुड बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स इन मेकिंग वाइज डिसीजन इन सिलेक्शन ऑफ वोकेशनल ऑब्जेक्टिव। गाइडेंस प्रोग्राम शुड असिस्ट स्टूडेंट्स टू रिमूव पर्सनल ऑब्स्टिकल्स, जो उनकी पर्सनल ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको दूर कर पाएँ। और स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, सारी ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन जिससे वो अपने लिए सही वोकेशन चूज कर सकें। असिस्टेंट शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट, उसको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में हेल्प करनी है। और आगे हेल्थ प्रोग्राम में भी वो एजुकेशनल हेल्थ हो या प्रिवेंटिव प्रोग्राम हो या क्लिनिकल एस्पेक्ट हो, किसी भी तरीके से डेवलप होने में उसकी हेल्प करनी है। मोर स्पेसिफिकली सच अ प्रोग्राम शुड प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द वेल फ्रॉम सिक, मतलब कोई अगर ठीक है तो उसको बीमार होने से या गलत राह पकड़ने से बचाना है। डिटेक्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफेक्ट्स, किसी के अंदर अगर कोई किसी प्रोग्राम में अगर डिफेक्ट है या किसी पर्सन में कोई प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करना है, उसको सिक्योर करना है ट्रीटमेंट के लिए। डिफेक्टिव हैबिट्स को डिस्कवर करना है, गलत एटीट्यूड को डिस्कवर करना है, उसको करेक्ट करना है। और टीच हाइजीन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिविंग, कैसे प्रेजेंट और फ्यूचर लिविंग बेटर हो सकती है वो उस चीज़ में उसको गाइड करना है। अकॉर्डिंग टू डैश वॉल्विंग आर द रीजन्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। डैश के अकॉर्डिंग ये कुछ रीजन्स हैं कि क्यों स्कूल्स में गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग स्टूडेंट्स एबिलिटीज बाय टीचर्स टू मैक्सिमाइज देयर स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। तो जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करना है और चांसेस और फेलियर को कम करना, और फेलियर है अभी तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बाउंस बैक करना उनको सिखाना है। उनकी साइकोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, उनके जो डिफेक्ट्स हैं उनको ओवरकम करना सिखाना है। आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और ज़्यादा एनरिचमेंट करनी है, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स उनके थ्रू और उनको स्टिमुलेट करें ताकि वो और एक्सीलेंट बन सके अपने पर्टिकुलर गिफ्टेडनेस या जो भी उनका टैलेंट है उसमें। स्ट्रेंथनिंग डिसिप्लिन बाय हेल्पिंग द टीचर टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन इन एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट, के बच्चे क्यों इनडिसिप्लिन करते हैं उसके कॉजेज टीचर को समझ में आए ताकि वो उसको राइट कॉज को टारगेट कर सके। स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट चूज करने में हेल्प करना। रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवानी है तो हम क्या करवा सकते हैं जिससे हेल्थ ना ख़राब हो, एफिशिएंसी ना डिक्रीज हो। पेरेंट टीचर कोऑपरेशन बढ़ाना ताकि वो बच्चे को ग्रो करने में हेल्प करें। फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के ऊपर तो स्पेशल खास ध्यान रखना है कि उनको डिसीजन मेकिंग और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में असिस्टेंस मिले। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प हो, अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में, स्किल्स डेवलप करने में हेल्प हो, राइट एटीट्यूड और इंटरेस्ट डेवलप करने में हेल्प हो, एडजस्टमेंट स्कूल में एडजस्ट करने में और स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर गाइडेंस मिले।
और अगर डिफरेंट स्टेज वाइज अगर हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं गाइडेंस के, तो एलिमेंट्री स्टेज हो गई, जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं, एंटर करते हैं स्कूल लेवल पे, तो वहाँ पे उनको घर से स्कूल में कैसे एडजस्ट करना है, ट्रांजिशन करना है फ्रॉम होम टू स्कूल, कि घर के एनवायरनमेंट और स्कूल के एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करें, वो जो फ़र्क है उसमें मदद करनी है। अगर उनको कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है तो उसमें उनकी मदद करनी है। आइडेंटिफाइंग पीपल्स इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उन बच्चों को जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो जैसे या गिफ्टेड हो सकते हैं या हैंडीकैप हो सकते हैं या बैकवर्ड हो सकते हैं। हेल्पिंग पोटेंशियल ड्रॉप आउट्स टू स्टे इन द स्कूल, जो बच्चे लग रहे हैं कि ड्रॉप आउट कर जाएंगे, उनको कैसे रोक के रखें स्कूल में, इंटरेस्ट बना के रखें कि वो छोड़ के ना जाए, हेल्प करें उनकी। पीपल्स टू डेवलप इनसाइड इन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, बच्चों को हेल्प करना एक नई दुनिया को समझने में, जब से वो स्कूल आने लगते हैं तो एक टोटली उनके लिए नया वर्ल्ड खुल जाता है, तो उसको वो कैसे समझ सकें, और उनकी फर्दर एजुकेशन ट्रेनिंग में हेल्प करना है। तो ये सब एलिमेंट्री लेवल पे गाइडेंस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है। सेकेंडरी स्टेज पे क्या होता है, आगे उनकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को डेवलप करना, उनकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को समझने में हेल्प करना, उनको उनको एजुकेशनल और वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ या इंफॉर्मेशन देना, फिर उनकी एजुकेशन रियलिस्टिक रखना जिससे वो चॉइसेस करेक्ट ले सकें, उनकी पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करना, और एप्रोप्रिएट वोकेशनल करियर में हेल्प करना। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है गाइडेंस प्रोग्राम इन एजुकेशनल ट्रेनिंग, तो इसमें कह रहे हैं वन ऑफ द अल्टीमेट गोल्स ऑफ गाइडेंस इज टू डेवलप अ चाइल्ड विद वेल इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। मतलब अल्टीमेटली आप जो भी कर रहे हो, ऊपर जितने भी हमने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, उसका अल्टीमेट गोल तो यही आता है कि आपने जो भी चाइल्ड है उसकी वेल इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी बनानी है, जो उसको हर नई सिचुएशन में एडजस्ट करने में हेल्प करे, उसको राइट चॉइसेस लेने में हेल्प करे, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे। तो इसको वेल इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, जो कि एक अल्टीमेट गोल है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम का। वन ऑफ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल गाइडेंस इज सेल्फ गाइडेंस, मतलब आप उसको बच्चे को इतना ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बना दो कि वो अपने आप को गाइड कर सके, वो आपका एक गाइड का काम है। सो द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स एज डिस्क्राइब्ड अबव सजेस्ट द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस फॉर द स्कूल। फॉर इंडिविजुअल चाइल्ड टू प्रोवाइड कंडीशन दैट विल गिव एवरी स्टूडेंट अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू फील सोशली सिक्योर, फ्री फ्रॉम एबनॉर्मल फियर। मतलब एक बच्चे को सिक्योर फील होना चाहिए इस प्रोग्राम में, फियर नहीं होने चाहिए, एंगजाइटीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है जिसमें वो सक्सेस को ढूंढ सके, अपने आप को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अपनी एबिलिटीज को, अपने इंटरेस्ट को, स्किल्स को, एटीट्यूड डेवलप करना, जो डिज़ायर्ड सोशल बिहेवियर है उसकी तरफ एटीट्यूड डेवलप कर सके, रिसोर्सफुल बने, रिसोर्सफुल अपनी भी मदद करे, दूसरों की भी रिसोर्सफुल बने, और डायरेक्शन अपने लिए एक सेट कर सके जहाँ पे वो आगे जाके और सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी इंटेलेक्चुअल, सोशल और रिक्रिएशनल वैल्यू में इंटरेस्ट बढ़े, उसको एजुकेशनल और वोकेशनल और पर्सनल सोशल हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करो जो उसको ज़रूरत है, वो अपने लिए सेटिस्फाइंग करियर चूज़ कर सके अकॉर्डिंग टू उसका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जो भी है, सेल्फ कंट्रोल हो उसके अंदर, और एटीट्यूड और एबिलिटीज फॉर कोऑपरेटिंग सक्सेसफुली, मतलब टीम वर्क करने के लायक बने, और अंडरस्टैंडिंग एज अ होलसम रिस्पेक्ट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ वन कैपेबिलिटी, मतलब अपनी कैपेबिलिटी और लिमिटेशन दोनों को अपने ही पार्ट समझे, वो ये ना हो कि कोई अपनी कमी को एक्सेप्ट ना करे, उसको ये लगे कि कमियां भी मुझे पूरा ही करती हैं और मुझे इनको भी ठीक करना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट हो अपने आप को लेके। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द स्कूल के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है, टू प्लेस इंपॉर्टेंस टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट बिसाइड अदर कंसिडरेशन, मतलब नीड ऑफ स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस करो रेदर देन कि स्कूल को क्या चाहिए। टू प्रोवाइड करिकुलम एंड वर्किंग कंडीशन वेयर ईच चाइल्ड में वर्क इफेक्टिवली, इस तरह की कंडीशन प्रोवाइड करो जहाँ हर बच्चा अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर सके। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होने चाहिए जो उसके लिए नेसेसरी हैं,
प्रोफेशनल सर्विस होनी चाहिए टीचर्स की और जो भी गाइड गाइड है या काउंसलर है उसकी, जिसमें वो उसकी एटीट्यूड स्किल और जो भी उसके इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन टेक्निक से उसको डेवलप कर सके। टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज दैट विल एड इन डिटेक्टिंग फिजिकल कंडीशंस, अगर फिजिकली कोई कंडीशन है बच्चे को जो परेशान कर रही है तो उसके लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। टू प्रोवाइड मटीरियल एंड फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा नेसेसरी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट नीड्स हैं। हाँ, तो टेस्टिंग करने के लिए या डेटा रिकॉर्ड करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटीरियल्स हैं वो प्रोवाइड करना। काउंसलिंग विद पेरेंट्स भी होनी चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ भी घर में काफ़ी समय बिताते हैं, तो उनकी भी काउंसलिंग करनी ज़रूरी है। और उनको रेफरल सर्विस उन बच्चों को दें जिनको आगे और किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जो स्कूल लेवल से एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो जाती है कभी कभी के, स्कूल के बाहर भी किसी प्रोफेशनल को बच्चे को वो करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए रेफरल सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये सारी चीज़ें स्कूल की तरफ से होनी चाहिए। तो ये आपका यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।